ये सब जनता का आशीर्वाद और प्यार है, और आप लोग के माध्यम से मैं दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो उन लोग के आशीर्वाद की वजह से यह ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। एक समय ऐसा लगा जब भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया आपको और पिताजी को, तो उस समय कुछ आपको लगा कि संशय है, कुछ ऐसा लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपनी मेहनत और जनता से जो प्यार है, जो लगाव है, हम लोग उसके भरोसे चुनाव लड़ रहे थे। तो अब क्या कहेंगे, जैसे फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बार आप रहेंगे, उम्मीद है कि ये सब बात की विषय आज जनता के बीच प्यार और नहीं, पहला वरीयता आपका कौन रहेगा, क्योंकि आप निर्दल जीते हैं तो कोई दल तो शामिल होंगे ना, वो सब बात की विषय। और रही बात कि हमारा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा है, उनके राजनीतिक तौर से ही, और मेरी श्रद्धा जो है महाराज जी के प्रति। कितना आपको वोट मिला है, कितने वोट से आप जीते हैं? लगभग 3,000 वोटों से जीता गया है। कितने मत मिला आपको टोटल? 4,041। अब आगे विकास की क्या योजना रहेगी, आजमगढ़ मऊ की जनप्रतिनिधियों के लिए क्या करेंगे? जो भी मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए कंधे से कंधा लगा के अपना चलने का काम करूंगा, और जो भी उनके सुख दुख है उनके साथ खड़े रहने का काम करूंगा। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। किससे टक्कर मारते हैं? टक्कर किससे, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ। मुझे लगता है कि लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। अभी आप बोले कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी आपका सहयोग करी, तो अगर आपको ये महसूस हो रहा तो अगला आपका कदम क्या होगा पार्टी को लेकर? नहीं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो हमारे जिला स्तर पर है। और आपने देखा कि 10 की 10 सीटें हमने हारे आजमगढ़ में, जरूर इसमें कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसका विरोध करते हैं, और ये गलत बात है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मैंने तो किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस चुनाव में देखा है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ जो समाज के ऐसे लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो अनडेवलप्ड हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनका हिमायती हूँ भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए मैं पैर भी करता हूँ। पर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है, और उन्हीं की हुई है जिनका मैं हिमायती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो विचार हैं या कामकाज या किसी का सहयोग ये मायने नहीं रख रहा है, जो मैंने अभी तक महसूस किया है इसमें, क्योंकि सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और छोटे तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े सांसद विधायक लेवल तक के लोग बिक गए, तो मैं और छोटे नेताओं की क्या बात करूँ, बस कीमत अच्छी होनी चाहिए, बिकते तो सारे ही। पिता का सहयोग कितना मिला? क्या चीज़? पिता का सहयोग कितना मिला? मैं सही बताऊं, मैंने इस चुनाव को अकेले लड़ा है, और मुझे मैंने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया है इस चुनाव में, चाहे वो हमारी पार्टी के नेता रहे हों चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को का पैटर्न चेंज करने की बात करता हूं। लोगों को लगता है कि अगर इनकी बात प्रभावी होगी समाज में तो हमारी दाल नहीं गलेगी, इस वजह से सारे लोगों ने हमारा विरोध किया। और लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप समझदार नहीं बनोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एक बेहतर जिंदगी जी पाओगे? आप समझिए इस तरह से कि लोग 9-9 बार, 8-8 बार, 10-10 बार सांसद विधायक बन करके बैठे हुए हैं, पर उन्होंने समाज को क्या दिया है? अगर दिया तो सिर्फ अपने परिवार को और खुद को, उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, उनके पीछे अंधभक्त बन के टहलते, तो ठीक है। बाकी अगर मैं जीतता हूँ तो समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशिश करूँगा, जो मैंने वादा किया है, पर अगर मैं हारता हूँ तो मैं फिर अपनी बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ, ये सब छोड़ छाड़ कर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।